ब्रॉट टू यू बाय ओमनी जेल। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल इंडिया का नंबर वन पेन रिकवरी जेल। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जब से सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया है तभी से आम आदमी पार्टी हमलावर मोड में आ गई है। आखिर कौन है विजय नायर और आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर कर ही नायर को गिरफ्तार किया गया है। विजय नायर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी लोगों में से हैं। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी की अगली सुबह यानी 28 सितंबर को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुद सामने आ गए। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी विजय नायर की गिरफ्तारी को गुजरात चुनाव से क्यों जोड़ रही है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें गुजरात चुनाव में विजय नायर की भूमिका को समझना होगा। उनकी भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने इंडिया टुडे के लिए दिल्ली सरकार कवर करने वाले रिपोर्टर कुमार कुणाल से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जैसे जैसे गुजरात चुनाव पास आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, उसमें उन्होंने एक तरीके से रणनीति भी तैयार कर ली थी। पार्टी के जानकार बताते हैं कि लगभग आधी स्ट्रेटजी तैयार थी और स्ट्रेटजी में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के भाषण से लेकर उनके वक्तव्य और बाकी पार्टी के सोशल मीडिया पर क्या कुछ जाएगा, मीडिया मैनेजमेंट कैसे होगा, कहाँ पर इंटरव्यू देना है, कहाँ पर कौन सी रैली होनी है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसमें क्या कुछ मुद्दे होंगे और यहाँ तक कि जो नारे हैं वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे, इन सब चीज़ों में विजय नायर की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। विजय नायर मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्ट टाइम वॉलंटियर के रूप में शुरुआत की थी। बीते 8 सालों में वो एक आम वॉलंटियर से पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज तक जा पहुंचे। 2014 के आसपास विजय आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। 2019 तक उनका मुख्य काम पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी तैयार करना और फंड जुटाना था। 2019 के बाद उनकी भूमिका में बदलाव हुआ और उन्हें पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कम्युनिकेशन के साथ कैंपेनिंग, मैनिफेस्टो और पॉलिसी बनाने जैसी अहम जिम्मेदारियां दी। दिल्ली चुनाव के बाद अगला प्रोजेक्ट था पंजाब विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में सभी विरोधी पार्टियों का सफाया करते हुए शानदार जीत दर्ज की। आपकी इस जीत में विजय नायर की अहम भूमिका थी। पंजाब चुनावों से उनकी भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। पंजाब चुनाव में लगभग पूरा मीडिया का काम और जो भी कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई रणनीति थी वो विजय नायर ने खुद बनाई थी, इसीलिए गुजरात चुनाव के लिए उनकी अहमियत कहीं ज्यादा। ऐसा नहीं था कि विजय शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे या किसी पार्टी से जुड़कर स्ट्रैटेजी बनाना चाहते थे। विजय आप में इतनी भूमिका में आने से पहले एक सफल बिजनेसमैन रह चुके हैं। वो करीब 6 कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं। ये कंपनियां हैं OML एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओनली मच लाउडर इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, माउथस्वेयर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बेबलिश प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, OML डिजिटल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। 6 में से 2 कंपनियां आज भी एक्टिव हैं। खबरों में कहा गया है कि सीबीआई ने विजय नायर को दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में कई वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। विजय नायर के अलावा एक और बिजनेसमैन समीर महिंदू को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग भी की है। आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की मेरे साथी अंशुल ने। मेरा नाम है सोनल। कैमरे के पीछे से इसे रिकॉर्ड किया मेरे साथी रूहानी ने। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है ललन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है ललन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुँच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे
और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना, कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।